नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई क्यू अकेडमी में स्वागत है। आज आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण खबर बताऊंगा। जेवीएनएल भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ हमारे ही चैनल में मिलती है, केवल और केवल स्टडी आई क्यू अकेडमी में। और दोस्तों, मैं आपके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूँ भर्ती निकालने के लिए, और लगातार सिलेबस चेंज करने को लेकर विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिए हैं, विद्यार्थियों ने ट्रेंडिंग चलाई है, पर अभी तक सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो हमें आगे भी ऐसी प्रक्रिया लगातार चलाए रखनी है। लगातार दोस्तों, मैं आपकी आवाज़ उठाऊंगा, डेली वीडियो के माध्यम से मैं आवाज़ उठाऊंगा आप लोगों की। बस आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्षेत्र में जिला अध्यक्ष रहता है, किसी कोई को भी, जिला कलेक्टर है, उपखंड अधिकारी है, तहसीलदार है, सभी को लगातार ज्ञापन देते रहिए। दो पांच बच्चे मिलकर के दोस्तों, आपको कोई नहीं मना करेगा, क्योंकि आप दो तीन बच्चे जाएंगे, आपसे ये भी नहीं बोलेंगे कि कोरोना चल रहा है, ऐसा चल रहा है, क्योंकि आप सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात तो मैं बता दूँ, साफ है। और दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को, यानी कि सभी को ये ज़रूरत है कि सिलेबस में बदलाव किया जाए, क्योंकि जो बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी होते हैं वो ज़्यादा हमारी सीटें ले जाते हैं। और एक सबसे बड़ा कहा है विद्यार्थियों ने, मुझे रिक्वेस्ट की है कि परीक्षा केंद्र राजस्थान में रखा जाए, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र है वो कई राज्यों में रखा जाता है, जैसे हरियाणा, गुजरात, पंजाब, जो भी पास के राज्य पढ़ते हैं उन सभी में एग्जाम सेंटर होता है। उस कारण वहाँ पर सीटें बिकने की संभावना बड़ी ज़्यादा संख्या में होती है, जिससे राजस्थान के विद्यार्थियों में निराशा छाई हुई है। 2018 का जो वैकेंसी निकाली थी उसमें भी बड़ा विद्यार्थियों को झटका लगा था, विद्यार्थी राजस्थान के बहुत कम नौकरी लग पाए थे, बहुत सारे विद्यार्थी बाहर राज्य के लग गए, यहाँ पर कोई कोटा फिक्स नहीं है, तो इसलिए राजस्थान जीके को ज़्यादा ऐड किया जाए। ये सारी जानकारी मैं आपको आगे बताता हूँ। विद्यार्थियों ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो देखिएगा दोस्तों, विद्यार्थियों ने कदम उठाया है ANJN भर्ती के पाठ्यक्रम और पैटर्न में बदलाव की मांग। दोस्तों, विद्यार्थियों ने लगातार क्या की है, मांग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सारे विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, मांग की तो दोस्तों देखिएगा, चौथे नंबर के ट्रेंडिंग में चला था ये एक दिन, विद्यार्थियों ने लगातार मेहनत की है और ये चौथे नंबर के ट्रेंडिंग में चला था, सरकार तक भी इसकी आवाज़ पहुंचाई गई। फिर से दोस्तों, अपन को ऐसा ही कुछ करना होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा, हमारे ट्विटर अकाउंट है दोस्तों स्टडी आई क्यू अकेडमी के नाम से, वहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी जेवीएनएल भर्ती के संबंधित, ठीक है। आगे देखिएगा दोस्तों, विद्यार्थियों ने एक और काम किया, जेएन भर्ती में आधे से अधिक बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों का चयन होता है, इस कारण क्या करना है, सिलेबस में चेंज करना है। दोस्तों देखिएगा, जेएन भर्ती में 118 में से 64 अभ्यर्थी दूसरे राज्य के, इतनी बड़ी संख्या में बाहरी राज्य के जो विद्यार्थी है वो हमारे राजस्थान के जो विद्यार्थी है, इतने मेहनत लगन से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद भी इनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, इनकी जॉब नहीं मिलती दोस्तों। इसलिए सरकार से निवेदन है कि राजस्थान जीके को कितना प्रतिशत किया जाए, 30% किया जाए, यानी कि 100% में से 30% जो है राजस्थान जीके होनी चाहिए, जिससे राजस्थान के विद्यार्थी ही जॉब लग पाए। ये बड़ा मुद्दा है हमारा आज का। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, फिर से मैं आपको कोशिश करूँगा कि मेरी बात को आप समझ पाएँ और आप ये काम कर पाएँ। लगातार मैं भर्ती निकलवाने की भी कोशिश करूँगा और सिलेबस चेंज करवाने की भी लगातार मैं कोशिश करूँगा, जैसे राजस्थान सरकार इस महाजाल से निकलती है, ये इलेक्शन वाला जो मामला चल रहा है, कांग्रेस, बीजेपी, पायलट, सचिव अशोक गहलोत, इससे निकलती, जैसे हम ज्ञापन देंगे बीडी कला जी को, अभी ज्ञापन देने से कोई उनको हल नहीं निकलने वाला। इसलिए दोस्तों, अपन को खुद मीडिया के माध्यम से ये बात आगे पहुंचानी होगी। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जी राजस्थान ने भी आपकी न्यूज आगे पहुँचाई थी दोस्तों कुछ दिनों पहले, आज की न्यूज नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की न्यूज। डाउनट पर होगा अब आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया, बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो, उसे सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12th नीट IIT JEE मेंस एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउनट ऐप। आज की न्यूज है, ANJN विद्युत विभाग भर्ती में सिलेबस बदलने की मांग, मांग को लेकर बेरोजगार ने सोशल मीडिया पर लिया सारा। चेंज RSEB जेन सिलेबस के जरिए कर रहे मांग, सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान 30% रखने की मांग की गई है। तो यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों के लिए। जी राजस्थान ने भी दोस्तों आपकी मांग उठाई थी, और दोस्तों हम तो आपको लगातार मेहनत कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों ये सिलेबस देखिएगा, ये सिलेबस जो है वो यहाँ पर यह दे रखा है, जो कि आप लोग देख सकते हो, इसमें ज़्यादा 30% क्या किया जाए, राजस्थान जीके किया जाए, और 70% और कुछ भी कर दें टेक्निकल,
विद्यार्थियों को ये मंजूर है, पर राजस्थान जीके जो है 30% होनी चाहिए। ये देख लीजिएगा आप यहाँ पर सिलेबस पूरा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बच्चों ने मांग उठाई है कि राजस्थान डिस्कॉम की अभ्यंता परीक्षा 7 राज्यों के 32 शहरों में सेंटर दे। कितने शहरों में? 32 शहरों में, यानी कि एक सेंटर में से एक दो दो तीन सीटें भी बिक गई होगी दोस्तों, तो कितनी सीटें चली जाती है ऐसा ही समझ लीजिए। कम से कम मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतनी मान लीजिए, वैसे तो बहुत बिकती है सीटें, पर यहाँ मान लीजिए कि इतनी बिकती है, तो आप सोच सकते हो ऑनलाइन होगी परीक्षा, और ऑनलाइन होगी इस बार परीक्षा, ये भी यहाँ पर बच्चों ने कहा है। देखिएगा दोस्तों, 32 शहरों को चयन किया गया जहाँ एक साथ ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रदेश में 12 शहरों में परीक्षा का आयोजन होगा। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को 3 स्थानीय व 3 दूसरे राज्य में के परीक्षा केंद्रों का विकल्प भरना होगा। ये दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट थी। इन्हीं राज्यों में था दोस्तों, देखिएगा इन राज्यों में थे राजस्थान में यहाँ पर सेंटर था, केवल हरियाणा में, पंजाब, गुजरात, दिल्ली NCR, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह क्या थे? सेंटर थे, जिससे राजस्थान के विद्यार्थी बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। और विद्यार्थियों को अभी तक संशय है कि इस वैकेंसी में हुआ क्या था, इतनी जल्दी वैकेंसी कंप्लीट कैसे करवा दी गई जिस समय 2018 में ये वैकेंसी निकाली थी। ये देखिएगा दोस्तों, विद्यार्थी लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया कि हमारा सिलेबस चेंज किया जाए, और इन विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ये भी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों, हमारे अखबार वाले भाइयों ने भी यहाँ पर जो है इनकी आवाज़ को उठाया और आगे निकाले। दोस्तों देखिएगा, ये सारे मांग उठा रहे हैं यहाँ पर, आशा करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा सारे विद्यार्थी यहाँ पर लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सिलेबस में चेंज किया जाए। ये देखिएगा दोस्तों, लगातार ज्ञापन के ऊपर ज्ञापन, आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञापन दीजिएगा दोस्तों। और मेरी सरकार से एक ही मांग है कि आप कुछ भी करके जो सिलेबस है उसमें 30% राजस्थान GK ऐड किया जाए। ये राजस्थान के सभी विद्यार्थियों की तरफ से मैं मांग करता हूँ आपसे कि आप सिलेबस में चेंज करें। कोई भी अधिकारी छोटा से लगा के बड़ा तक इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्त, हमसे हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस आवाज़ को सरकार तक जरूर पहुँचाएं और हमारा जो है ये प्रयास को सफल बनाएं, क्योंकि आपके भी छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके बड़े भी हो सकते हैं, तो आप आवाज़ उठाएंगे तभी ऐसा होगा, नहीं तो राजस्थान के जो विद्यार्थी है वो ऐसे ही रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा और कहीं राज्य हैं, जितने भी राज्य हैं उनमें फिक्स कर रखा है कि 5% ही सीटें बाहरी राज्य ले सकते हैं। राजस्थान में ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि राजस्थान के विद्यार्थी फिक्स है कि हाँ इतने में रहेंगे और बाहरी राज्य वाले इतने में रहेंगे। यहाँ पर जितना चाहे बाहरी राज्य के विद्यार्थी आके पूरी सीटें ले जाए तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। राजस्थान में ये रूल होना चाहिए। इसकी आवाज़ जो उपेन यादव भाई है उन्होंने भी उठाई है लगातार, वो भी प्रयास कर रहे हैं, और भी कई नेता है जो आगे प्रयास कर रहे हैं, और दोस्तों हम भी करते रहेंगे। इसलिए मैं JN भर्ती की गारंटी के साथ कह सकता हूँ, JN की, अकाउंटेंट की, टेक्निकल हेल्पर की, सभी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा ना सोचे कि JN की या इनकी बात कर रहे हो आप, नहीं, मैं सभी भर्तियों की बात कर रहा हूँ। जितनी भी भर्तियाँ होती है उन सभी में राजस्थान GK 30% किया जाए। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचाई जा सके कुछ न कुछ अधिकारियों तक। जय हिंद दोस्तों।